देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं छत पे। तो हमने कपड़े उतार लिए हैं, कपड़े उतार के रख दिए हैं। तो यहाँ पे हम गेहूँ बना रहे हैं, तो गेहूँ हम साफ़ कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए हम गेहूँ बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी सासू माँ बना रही हैं सब्जी। तो किस चीज़ की सब्जी बना रही हैं? क्या बना रही हो? सब्जी का नाम बता दो, क्या बना रही है? आलू भाटा पालकी। आलू भाटा पालकी बना रही है गांव के टाइप में। तो यहाँ पे आलू और बैंगन और पालकी को काट के रखा गया है, अच्छे से धो रहे हैं दो तीन पानी से। यहाँ पे लहसुन मिर्चा और प्याज है, पचफोरन इसमें डाला हुआ है, लाल हो जाएगा तो हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। ये लाल हो चुका है सब्जी में। तो यहाँ पे धनिया लिए हैं और टमाटर, इसे भी काट ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा किचन कितना साफ दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे क्लीन कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो सब्जी हमारी बन रही है, तो हम टमाटर और धनिया डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार। हम इसे चला देते हैं। तो आलू पालक की सब्जी बन गई है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं, उसे ढाक देते हैं। स्वागत है, आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो आज हम पकौड़ी, जो सोयाबीन की बरी आती है उसकी पकौड़ी बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी आप लोग से भी शेयर करेंगे। तो झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन की पकौड़ी, तो उसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट सोयाबीन लिया है, तो इसे हम फाड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है एक टोप में, और गैस को ऑन कर लेते हैं और पानी को हम उबलने देते हैं। तो पानी हमारा उबलने लगा है, तो हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा, और जो सोयाबीन है वो भी डाल देते हैं, और गैस को हम बंद कर देते हैं। तो इसे हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं इसी में, ताकि हमारा जो सोयाबीन की बरी है वो थोड़ी फूल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये फूल चुका है, तो इसे हम पलटी कर देते हैं। तो पानी हमने अच्छे से गार दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें पलटी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया, ये थोड़ा सा डाल देते हैं, जितना आपका सोयाबीन है। तो ये और बचा ले रहे हैं, जब कम पड़ेगा फिर हम डालेंगे। तो इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी चम्मच, मिर्चा पाउडर, थोड़ा हम स्पाइसी बना रहे हैं, और थोड़ा सा धनिया। तो इसे हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन हमने लिया, ये भी कद्दूकस करके। तो यहाँ पे हमने प्याज लिया है, तो ये भी हम इसे कद्दूकस करके डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक लिया है, तो ये भी इसमें डाल देते हैं। तो सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे नमक मैंने लिया है, तो हम उबलते समय भी डाले थे, तो हम थोड़ा सा डालेंगे स्वाद अनुसार, जितना हमारा बेसन है। तो ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे मैंने गूंथ लिया है अच्छे से, जो बेसन आ रहा था, तो इसमें हम धनिया, हरा धनिया डाल देते हैं। तो जो हमने बेसन को बचा के रखा था वो भी हम डाल देते हैं। तो इसे हमने गूंथ लिया है, तो हम पे कढ़ाई को रख दिए, गैस को ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे तेल डाल दिए हैं, तो तेल गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम डालेंगे। सारा हमने डाल दिया है, तो इसे हम लाल कर लेते हैं एक तरफ। गैस को हम स्लो ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। तो ये लाल हो चुका है एक तरफ, तो इसे पलटी कर देते हैं। तो
ये दाल हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारा पकौड़ी बन के रेडी हो गया है। तो सोयाबीन की पकौड़ी ये और इसके साथ में चटनी हमने बनाया है। तो यहाँ पे है चटनी, तो ये धनिया का चटनी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम खा लेते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए कैसा हमने बनाया। तो आप लोग भी ट्राई कर लें, खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे लोग को भी बहुत पसंद है। चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अब चल रहे हैं हम लोग सब खाना खाने, तो रात के हो गए हैं 9। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो गुड नाइट। Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink.